हाय दोस्तों, टेक्निकल मिनट्स में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप वोटर आईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अभी आपको पता है कि अभी इलेक्शन का जो टाइम है, अभी इलेक्शन आने वाला है, तो अगर अभी आप वोटर आईडी कार्ड के लिए अगर अप्लाई कर देते हैं तो आपका बहुत जल्द से जल्द जो आपका वोटर आईडी कार्ड बन के आपके घर पे बाय पोस्ट आ जाएगा। सो अगर आपका वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है तो ये टाइम अभी आपके लिए बेस्ट है। इस टाइम पे आपको ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, फटाफट से आपका वोटर आईडी कार्ड अप्रूव हो जाएगा। जो जो प्रोसेस होता है बहुत जल्द से जल्द जो है कम्प्लीट करके आपका वोटर आईडी कार्ड बन के तैयार हो जाएगा। सो अगर नहीं बना है वोटर आईडी कार्ड को, इस वीडियो को जरूर देख लीजिए और इस वीडियो को देख करके आप अपना जो है वोटर आईडी कार्ड के लिए प्रोसेस कर सकते हैं, घर बैठे कहीं भी जाने की जरूरत। तो चलिए जानते हैं हम किस तरीके से वोटर आईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस, इसके लिए सबसे पहले आपको राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल NVSP की पोर्टल पे आना होगा और इस पेज का लिंक जो मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो सिंपली आप वहां पे क्लिक करके इस पेज पे आ जाएंगे। उसके बाद यहां पे आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होगा, उसके लिए इस बटन पे क्लिक करना होगा रजिस्टर। चलिए हम क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पेज में आपको यहां नीचे क्लिक करना है डोंट हैव अकाउंट रजिस्टर्ड एज ए न्यू यूजर, इस पे क्लिक करके हम जो अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। चलिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा, उसके बाद नीचे यहाँ कैप्चा बॉक्स में कैप्चा एंटर करना होगा, सेंड OTP, यहाँ पे आपको OTP एंटर करना होगा, वेरीफाई पे क्लिक करना है। ओके, तो फाइनली हमारा मोबाइल नंबर जो है NVSP पे वेरीफाई हो चुका है। अब हमें नीचे की डिटेल्स डालनी होगी। पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है आई हैव EPIC नंबर, और दूसरा ऑप्शन दिया गया है आई डोंट हैव EPIC नंबर। यानी अगर हम पहली बार अप्लाई करना चाह रहे हैं तो हमें दूसरे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पे हमें अपनी डिटेल्स फिल करनी होगी। चलिए हम यहाँ पे फर्स्ट नेम एंटर करते हैं, लास्ट नेम एंटर करना है। अगर आपके पास में ईमेल आईडी हो तो ज़रूर डाल दें, इससे ये होगा फ्यूचर में जब भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपके पास अपडेट आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे ईमेल आईडी आप ज़रूर डाल दें। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड के लिए आपको यहाँ पे खास ख्याल रखना है, क्योंकि पासवर्ड आप अगर इजी पासवर्ड डालेंगे तो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जैसे अंकेश है तो अंकेश का A कैपिटल आपको कर देना है, बाकी NKESH आपको स्मॉल कर देना है, फिर उसके बाद आपको एक @ लगा देना है और उसके बाद कुछ न्यूमेरिक नंबर डाल देना है, इसमें आपका पासवर्ड एक्सेप्ट कर लेगा। तो चलिए हम यहाँ पर पासवर्ड एंटर करते हैं, उसके बाद रजिस्टर पर क्लिक करना है। अब वापस से हम उसी पेज पर रिडायरेक्ट हो गए, क्योंकि अभी हमने अकाउंट जो है क्रिएट किया है। अब हम अपने अकाउंट से लॉगिन करेंगे, तो अभी हमने जिस मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड किया था वो मोबाइल नंबर यहाँ एंटर करेंगे, और साथ ही साथ जो अभी पासवर्ड हमने क्रिएट किया था वो पासवर्ड यहाँ एंटर करेंगे, कैप्चा बॉक्स में कैप्चा फिल करेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे लॉगिन। तो फाइनली दोस्तों हम जो है राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल NVSP की साइट पर सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। अब अगर हमें यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो सबसे हमें टॉप वाले लिंक को सिलेक्ट करना होगा, फ्रेश इंक्लूजन / इनरोलमेंट, इस पर क्लिक करके हम अपने वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है आई रिसाइड इन इंडिया और दूसरा ऑप्शन दिया गया है आई रिसाइड आउटसाइड इंडिया। अगर आप इंडिया से बाहर रहते हैं तो आप नीचे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज इंडिया में रहते हैं तो आप ऊपर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे ऑप्शन है आपको स्टेट सिलेक्ट करने का, यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप जितने भी बॉक्स दिए गए सभी बॉक्स में हमें करेक्ट डिटेल्स फिल करने होंगे, जैसे कि हमारा डिस्ट्रिक्ट, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, A to Z डिटेल्स जो हमें यहाँ पे फिल करने होंगे। तो चलिए हम फटाफट से सभी डिटेल्स को फिल करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा, चलिए क्लिक करते हैं। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो वो आप यहाँ से सिलेक्ट करें, मैं यहाँ से साउथ वेस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपका हाउस नंबर एंटर करना होगा, इसी के साथ साथ आप गली नंबर भी डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आप देख पा रहे हैं इसके राइट साइड में भी एक बॉक्स खाली है। अब यहाँ पे आप जो भी टाइप करेंगे वो ऑटोमेटिक से यहाँ पे हिंदी में कन्वर्ट होगा, इसके लिए सिंपली आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आपका हिंदी में टाइप हो जाएगा। अगर आपको ये लगता है कि जो भी चीज़ आपने इंग्लिश में टाइप किया और जो भी चीज़ हिंदी में कन्वर्ट हुआ है, अगर आपको लगता है कि ये हिंदी में टाइप किया हुआ गलत है, तो आप इसको अपने से गूगल ट्रांसलेट के जरिए ट्रांसलेट करके आप यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। आगे मैं आपको दिखाऊँगा, अगर कोई भी वर्ड गलत होता है हिंदी में तो मैं आपको कन्वर्ट करके दिखाऊँगा। उसके बाद नीचे वाले बॉक्स में फिल करेंगे। यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे टाइप किया है विकास नगर, लेकिन यहाँ पे विकास नगर की जगह पे विकास नागर हो गया है। तो यहाँ से तो सिंपली मैं आकार को हटा सकता हूँ, लेकिन अगर आपका विकास में पूरा गलत हो तो सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको दूसरा टैब ओपन करना है, गूगल ट्रांसलेट ओपन करना है आपको, और यहाँ पर आपको हिंदी सेलेक्ट कर लेना है और जो भी वर्ड वहाँ पर गलत हो रहा है उस वर्ड को आपको यहाँ पर टाइप करना है। मान लेते जैसे नगर मैं टाइप कर रहा हूँ NAGAR, स्पेस देते ही यहाँ पे नगर की स्पेलिंग करेक्ट हो जाएगी। हम यहाँ से इसे कॉपी करेंगे, वापस उस पर आएंगे,
और यहाँ पे आने के बाद हम इसे डिलीट करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इस तरीके से आप जो स्पेलिंग को करेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे अब हमें पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद नीचे आपको एरिया पिन एंटर करना है, उसके बाद नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना होगा। चलिए हम कैलेंडर से सेलेक्ट करते हैं। ये सभी डिटेल्स फिल कर देने के बाद हमें नीचे भी कुछ चीज़ें अपलोड करनी होगी। चलिए हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पे दोस्तों अब आपको एक एड्रेस प्रूफ अपलोड करना होगा। एड्रेस प्रूफ में क्या क्या डॉक्यूमेंट चल सकता है उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कौन कौन से डॉक्यूमेंट का आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इंडियन पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, इनकम टैक्स असाइनमेंट ऑर्डर, रेंट एग्रीमेंट, वाटर बिल, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस कनेक्शन बिल, और साथ ही साथ इंडियन पोस्ट के द्वारा आया हुआ कोई भी लेटर। आप इन सभी में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट को अपलोड करके आप अपना एड्रेस वेरीफाई कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है अपलोड करते हैं। उसके बाद यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करना है। जहाँ पर भी आपने डॉक्यूमेंट रख रखा है उस लोकेशन को आप सेलेक्ट करें और वहाँ से उस डॉक्यूमेंट को पार्टिकुलर सेलेक्ट करें, ओपन पे क्लिक करें। अब आप यहाँ पे देखेंगे आपका डॉक्यूमेंट जो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको अगर आपके फैमिली मेंबर में किसी का भी वोटर आईडी कार्ड बना है तो आप उसका नंबर डाल सकते हैं, बेस्ट रहेगा। तो चलिए हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें दोबारा से अपना डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। यहाँ पर टाउन या विलेज, आपका जन्म कहाँ पर हुआ वो आप यहाँ पर एंटर करें। अगर नहीं है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे नीचे स्टेट सेलेक्ट करना होगा जहाँ पे आपका जन्म हुआ, नीचे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक एज प्रूफ आपको अपलोड करना होगा। एज प्रूफ के लिए आप क्या क्या अपलोड कर सकते हैं उसके लिए यहाँ पर लिस्ट दी गई है, जैसे कि आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट, मार्कशीट ऑफ 10th क्लास, 8th क्लास और 5th क्लास का भी लगा सकते हैं। साथ ही साथ इंडियन पासपोर्ट को भी यूज़ कर सकते हैं, पैन कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस और आधार लेटर का भी आप यूज कर सकते हैं। इन सभी डॉक्यूमेंट्स से कोई भी एक डॉक्यूमेंट को आप सेलेक्ट करके उसे अपलोड करें। तो चलिए हम एक डॉक्यूमेंट यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। वापस से हम उसी लोकेशन पर जाएंगे जहाँ पर हमने डॉक्यूमेंट रखा है, उस डॉक्यूमेंट को हम सेलेक्ट करेंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा डॉक्यूमेंट जो अपलोड हो चुका है। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है आपका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, सेलेक्ट पे क्लिक करके आप देख सकते हैं जो भी आपका विधानसभा क्षेत्र हो वो आप यहां से सेलेक्ट करें। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहां पे आपको दोबारा से पर्सनल डिटेल्स वगैरह फिल करनी होगी। तो चलिए हम यहां फटाफट से नेम एंटर करते हैं। सरनेम अगर कोई हो तो आप यहां पे डाल सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। वापस से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो मैं इंग्लिश में टाइप कर रहा हूँ वो यहाँ पर हिंदी में टाइप हो रहा है। आप स्पेलिंग ज़रूर चेक कर लें, अगर स्पेलिंग गलत हो तो गूगल ट्रांसलेट की मदद से यहाँ पर ओके करें और यहाँ से कॉपी करके आपको यहाँ पर पेस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप सभी डिटेल्स को सेलेक्ट करें, मेल फीमेल। नीचे आप आएँ टाइप ऑफ रिलेशन, फादर कर देता हूँ और अपने फादर का नाम यहाँ पे एंटर करना होगा। अगर फादर का सरनेम है तो आप सरनेम यहाँ पे टाइप करेंगे। तो सभी यहाँ पे कंप्लीट जानकारी यहाँ पे दोबारा से आप चेक कर लें, जो भी आप इंग्लिश में टाइप किए हैं वो हिंदी में प्रॉपर आपका आया है फिर नहीं आया है, अगर नहीं आया तो आप गूगल ट्रांसलेट की मदद से उसे ओके करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना होगा। फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए सिंपली चूज फाइल पर क्लिक करें, उस लोकेशन पे जाए जहाँ पे आपने फ़ोटो रख रखे हैं उसे सेलेक्ट करें, ओपन करें। यहाँ पे आप देखेंगे आपका फ़ोटो अपलोड हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि आप किसी भी तरह से डिफिकल्टी एबिलिटी तो नहीं है, यानी आप विकलांग, दिव्यांग कुछ भी तो नहीं है। अगर ऐसा है तो आप यहाँ से बॉक्स में से आप ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, अन्यथा यहाँ पर अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल के नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर आपको पैलेस डालना है कहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं, तो चलिए हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं और वापस यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आपके सामने इस तरीके का प्रीव्यू पेज आ जाएगा जहाँ पे आपने अभी जो जो डिटेल्स डाले थे वो सभी डिटेल्स जो आपके सामने आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप केयरफुली चेक कर लें कि जो जो चीज़ आपने यहाँ पे एंटर किया है, नेम, इंग्लिश नेम और हिंदी में वो प्रॉपर टाइप हुआ है या फिर नहीं हुआ है, एक एक डिटेल्स को आप केयरफुली यहाँ पर चेक कर लें, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, और उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है, ये फाइनल है। अगर आपको लग रहा है कि इसमें कोई भी गलती है तो आप यहाँ से बैक बटन का इस्तेमाल करके यहाँ से बैक जा सकते हैं, अन्यथा अगर ये सारे डिटेल सही है तो आप यहाँ पे सबमिट करेंगे। तो हमने यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे केयरफुली चेक कर लिया है, तो चलिए हम यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करते हैं। तो फाइनली दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारे पास एक मैसेज आ चुका है, थैंक यू फॉर सबमिटिंग फॉर्म ऑन NVSP, योर फॉर्म रेफरेंस आईडी इज़, यानी हमारे पास जो एक रेफरेंस आईडी दी गई है इसके जरिए हम ट्रैक कर सकते हैं। अब हमारा फॉर्म जो सबमिट हो चुका है, यानी हमने वोटर आईडी कार्ड के लिए सक्सेसफुली अप्लाई कर दिया है। अब अगर हमें यहाँ से एप्लीकेशन को ट्रैक करना होगा तो सिंपली हम यहाँ से इस कोड को कॉपी करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया ट्रैक स्टेटस, इस पर हम क्लिक करेंगे।
यहाँ पे हम उस नंबर को पेस्ट करेंगे और ट्रैक स्टेटस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमारा पूरा डिटेल आ जाएगा कि हमारा कितना प्रोसेस है। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे अभी कितने स्टेप्स फॉलो होने वाले हैं। अभी जो हमने फॉर्म को सबमिट किया है, दूसरा होगा BLO अपॉइंटेड होगा, उसके बाद एक फील्ड वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद पता चलेगा रिजेक्ट होगा या फिर एक्सेप्ट होगा। तो ये तीन प्रोसेस अभी और होने हैं। आपके घर पे एक फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आएगा कोई पर्सन, वो जब वेरीफाई कर जाएगा उसके बाद ही जो आपका वोटर आईडी कार्ड बन जाएगा। तो आप इस नंबर के जरिए आप आसानी से ट्रैक कर सकते हैं कि आपका वोटर आईडी कार्ड बना है या फिर नहीं बना है। तो आई होप दोस्तों कि आप समझ गए कि हम वोटर आईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।